गाजियाबाद कांड का पूरा सच। क्यों बार बार बयान बदल रहे हैं पीड़ित? हाँ, इंतजार ने क्या भेजा था तुम्हें? क्या कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे क्या काम है? अब मैं भैया पुलिस वाले ले गए, ले बाके बयान हुए मेरे। बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है, और ना कोई मुसलमान साहब से मान लगा। अभी इसका काम आप नहीं लेते? नहीं नहीं, मैं तो मदद। आपसी विवाद को क्यों दिया सांप्रदायिक रंग? समाजवादी पार्टी का ये नेता, इसने फेसबुक लाइव किया था, तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूपरंग देना चाहती है। मामला जादू टोने का या सियासी खिलौने का? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। समाजवादी मेहरबान साजिश का पहलवान, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गाजियाबाद कांड में एक समाजवादी पार्टी के नेता उन्मेद पहलवान का नाम सामने आ रहा है। पुलिस की माने तो पूरा मामला आपसी झगड़े का है, लेकिन इसे समाजवादी नेता ने सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश की, फेसबुक लाइव किया, वीडियो वायरल कराया। तो क्या यह पूरा मामला सोची समझी साजिश है? यह रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में 12 दिन बीत गए, 2 एफआईआर दर्ज हुए और अब तक 5 आरोपी बनाए गए हैं। गाजियाबाद के जिस पिटाई कांड को लेकर उबाल और बवाल मचा है, 72 साल के जिस बुजुर्ग की पिटाई पर ये सारा विवाद भड़का है, उसी बुजुर्ग ने फिर से नए आरोप जड़ दिए हैं। अब्दुल समद का कहना है कि तंत्र मंत्र या ताबीज से पिटाई का कोई लेना देना नहीं। सुनिए उनके दिए गए 3 बयान। एक बयान पिटाई से पहले की है, जिसमें वो एक आरोपी इंतजार के कहने पर ताबीज का मामला बता रहे हैं। फिर दूसरा बयान जिसमें वो पुलिस की जांच की तारीफ कर रहे हैं, और फिर तीसरा बयान जिसमें वो पुलिस की थ्योरी से अलग सांप्रदायिक वजहों से मारपीट का आरोप लगा रहे हैं। जो दोबारा आया था तू करने? हाँ। किसने कराया था? इंतजार ने। इंतजार ने भेजा के ये मेरे बस में कर दो। मेरे घर के ने जो तमीज बोगी सब देखे गए हो? अच्छा, हाँ बस जी है सब। इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से। ये झूठ तो फोन बोल के गया ना तू, ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत उठा के पर झूठ रहे थे नहीं? हाँ हाँ। इंतजार ने क्या भेजा था तुम्हें? इंतजार ने कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ, इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। भैया पुलिस वाले ले गए, ले बाके बयान हुए मेरे। बयान होने के बाद में पुलिस वालों ने मेरी इतनी मदद करी है, इतनी कार्रवाई करी है। उन्होंने एक मुलजिम को भेज दिया है, और एक मुलजिम को, दो मुलजिम को और भेज रहे हैं, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पुलिस वालों ने मेरी बहुत मदद करी है। हाथ पकड़ लिया इधर से, जने डंडे बेल्ट वेल्ट पैर मेरे बांध दिए। मारा तो आप उन लड़के को जानते थे? नहीं जानता मैं तो, ये तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। कोई नहीं जानता, और ना कोई मुसलमान साहब से मान लगाएगा, सब वही तेल होते। ना कोई कहानी आ रही है बनाने को, कुछ ही बनाओ, झूठा इल्जाम लगाओ, कुछ भी लगाओ, ऐसा कोई पता नहीं। मैं तो जानता नहीं था कोई झूठा इल्जाम उन लोगों को लगाया जाए। ताबीज का काम आप नहीं करते? नहीं। गाजियाबाद में पिटाई कांड की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए चेहरे सामने आ रहे हैं। कुछ चेहरे सीधे सीधे मारपीट की वारदात से जुड़े हैं, तो कुछ चेहरों पर वारदात की आड़ में माहौल बिगाड़ने का आरोप है। इस कड़ी में एक सियासी चेहरे की एंट्री हुई है, नाम उन्मेद पहलवान, परिचय समाजवादी नेता, आरोप वैमनस्यता फैलाना। जी हाँ, उम्मेद पहलवान जिसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जिसकी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर है, जो GDA बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं, उसी उम्मेद पहलवान पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR की इन पंक्तियों में पहलवान की कारगुजारियों का खुलासा है, पूरा ब्यौरा है कि कैसे आरोपी ने पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव किया, धार्मिक आधार पर बातें की, सच्चाई की पड़ताल किए बिना वीडियो चलाया, जिससे पूरे मामले में सांप्रदायिक रंग चढ़ गया। उम्मेद पहलवान पर मुकदमा दर्ज होते ही वो फरार हो गया है। गाजियाबाद पुलिस उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश में लगी है, लेकिन आज तक पर उम्मेद पहलवान ने सभी आरोपों से इनकार किया है। चचा मेरे पास आए 2 दिन लगातार,
और मैं दो दिन थाने रहा। थाने की फुटेज देख लीजिए, जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब पुलिस ने कोई भी एक्शन इसमें नहीं लिया तो मुझे मजबूरन फेसबुक लाइक आना पड़ा। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़े उम्र पहलवान के सीन में आते ही राजनीति शुरू हो गई। इस मामले में स्थानीय बीजेपी विधायक ने शिकायत दर्ज कराई है और राहुल गांधी समेत असदुद्दीन ओवैसी पर केस दर्ज करने की अपील की है। ये साफ हो गया है उमेश पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को या उनके मुखिया को सामने आकर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं, और अगर समाजवादी पार्टी का ये नेता इसने फेसबुक लाइव किया था तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है, कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है। कमाल है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यहाँ पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है, सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, खौफ खत्म हुआ है। यहाँ कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी जाति धर्म के व्यक्ति को आके पीट देगा, सरकार का कोई खौफ ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, सरकार अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर घटना का राजनीतिक रूपरेखा देना चाहती है। उत्तर प्रदेश की सरकार बताए क्या अपराध नहीं हुआ है, क्या विक्टिम की दाढ़ी नहीं काटी गई है, क्या उसको अपहरण करके उसके साथ मारपीट नहीं कर की गई है। विपक्ष का आरोप है कि ट्विटर या अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कर सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश कर रही है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं, किसी भी कंपनी को नियमों का पालन करना ही होगा। भारत की डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने रूल्स बनाकर भारत के संविधान के खिलाफ काम किया है, पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ काम किया है, और ये चाहते हैं कि ट्विटर रिप्रेशन करे, ट्विटर दबा दे, मोदी के खिलाफ कोई न्यूज ना आए। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई का मामला इसलिए संगीन है क्योंकि इस पर सांप्रदायिक रंग चढ़ाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने इसी वजह से ट्विटर और स्वरा भास्कर समेत कई लोगों पर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने का मामला भी दर्ज किया है। अब गाजियाबाद के एसएसपी से सुनिए वारदात का पूरा सच, कैसे कब कहां साजिश रची गई और एक एक वीडियो की पूरी पड़ताल। शुरू में एक बात आई थी कि अननोन लोगों के द्वारा किया गया, तो ये फैक्ट नहीं सही पाया गया अब तक की जांच में। दूसरी बात ये कही गई थी कि जंगल में ले जाकर के मारपीट की गई, तो ये भी नहीं पाया। जो घटनास्थल है वो मुख्य अभियुक्त का घर है और मुख्य अभियुक्त का घर एक लोकेलिटी में है, वो जंगल में नहीं है। इन दो बातों की तस्दीक नहीं हुई है और ये तावीज़ को लेकर के मारपीट किया जाना इसमें पाया गया। बौना उर्फ सद्दाम नाम के एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। उस आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, सुनिए वो क्या कह रहा है। अपना घर बस करवाने के ऊपर मुझे इसके घर को मेरे ऊपर करवा दो, ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतजार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया, सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर। पूरा सच सामने आना अभी बाकी है, लेकिन जिस बुजुर्ग की पिटाई हुई उनका नया बयान मामले में बड़ा पेच बन गया है। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल लगाई गई, 4 लोग थे, डंडे बेल्ट से मारा गया, वो उन्हें जानते तक नहीं। बुजुर्ग ने जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप भी लगाया है। तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, गाजियाबाद आज तक।